शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में अग्रणी भूमिका अदा कर रही मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं द्वारा अपना 17वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल प्रबंधन व अध्यापकों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं क्लास के लगभग 450 छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुतियां दी। शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल में अग्रणीय भूमिका अदा कर रहे मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवीं द्वारा अपना 17वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। स्कूल प्रबंधन व अध्यापकों के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में 9वीं से 12वीं कक्षा के लगभग 450 छात्र छात्राओं ने देशभक्ति कार्यक्रमों की शानदार प्रस्तुति दी, तो साथ ही हिमाचल व पंजाबी सहित विभिन्न लोक संस्कृतियों को पेश करते हुए नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुति दी। इसके साथ ही छात्रों द्वारा समाज को सेफ गर्ल्स और स्वच्छता का भी संदेश देने का काम किया गया, जिसके बाद छात्रों ने आम जन से अपने माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करने और युवा पीढ़ी से नशे से दूर रहने की अपील की। कार्यक्रम की अध्यक्षता मिनर्वा स्कूल घुमारवीं के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने की, तो वहीं घुमारवीं के बीजेपी के विधायक राजेंद्र गर्ग बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में मिनर्वा स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का स्वागत किया, तो साथ ही स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट भी पढ़ी। वहीं स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को मुख्य अतिथि राजेंद्र गर्ग ने जमकर तारीफ की, साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों तथा बोर्ड परीक्षाओं में टॉप 10 रहने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम की अधिक जानकारी देते हुए मिनर्वा स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने कहा कि वार्षिक समारोह का मुख्य उद्देश्य स्कूली छात्रों को मंच प्रदान कर उनके हुनर को निखारते हुए समाज के हर वर्ग को लोक संस्कृति से रूबरू करवाना है। साथ ही नाटकों के जरिए सामाजिक कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया, ताकि इन कुरीतियों से लोग दूर रह सकें। आज का हमारा जो कार्यक्रम था, ये 9th क्लास लेके प्लस टू क्लास तक के बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम था, जिसमें एनुअल फंक्शन में हमारे बच्चों ने अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। सबसे अलग सी जो चीज़ें थी वो पूरे हिमाचल के अलग अलग कल्चर्स को हमने इन एक्टिविटीज़ के द्वारा लोगों तक पहुँचाया। और इस साथ साथ जैसे नशा निवारण हो गया, या हमारा जो आजकल गर्ल सेफ्टी के ऊपर और उनकी एजुकेशन के ऊपर जो अलग अलग प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को भी थोड़ा सा उजागर करते हुए हमने गर्ल्स एजुकेशन और गर्ल्स सेफ्टी के ऊपर भी अलग अलग एक्टिविटीज़ दी। तो एक अलग मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाने के लिए हमने ये एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करवाई थी। इन एक्टिविटीज़ में लगभग 450 के करीब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, और हमारी ये कोशिश रही कि मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को पार्टिसिपेट करवाया जाए, ताकि उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए कि कल को अगर जब किसी भी मंच पे वो चले जाएं, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।